अबरिकोटा सुडीमेल सुडीमेल अंड ग्वाटेबल हिम्मतनगर। दोस्तों आज 16 अगस्त 2021 है, मंडे। मंडे यानी कि दुनिया का सबसे बढ़िया दिन, पैसे कमाने का दिन, जबरदस्त दिन। और मैंने ये लाइव स्टार्ट किया उसका 30 सेकेंड हुआ है ओनली, और लाइव में जुड़ गए हैं 307 लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह दोस्तों वाह। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत ने मुझे कहां से कहां तक ला दिया। मैं रियल में बहुत हैप्पी हूं कि मेरे लाइव स्टार्ट करते ही 30 सेकंड में 302 लोग थे, और अभी शायद 45 सेकंड हुए हैं और 415 लोग। क्या बोलूं मैं आप सभी को दोस्तों, रियल में मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका इतना सारा प्यार, इतना आप मुझे लाइक करते हो, मेरी फैमिली को लाइक करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी 450 लोग लाइव में हैं, और आज की लाइव सिर्फ और सिर्फ चालू रहेगी 10 o'clock, यानी कि अभी 9:51 हुई है और 10 o'clock में लाइव फिनिश करने वाला हूं, क्योंकि मुझे जुखाम हो गया है, सर्दी हो गई, आज मैंने इंजेक्शन भी लिया है, क्योंकि कल मैंने रेड बुल बहुत ठंडी पी थी दोस्तों, इसके कारण मुझे ठंडी चीज पसंद नहीं है। और मेरे जिगर जान दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं कि जिसने मेरा दिल जीता है। आज तक मेरा दिल जीतने वाले सिर्फ मेरी माँ और मेरे पापा थे, और ये जो तीसरे इंसान है जिन्होंने मेरा दिल जीता है दोस्तों, वो मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। और उन्होंने मेरे अंदर जो मार्किंग किया है, जो मुझे सजेशन दिया है, उसको लेकर मैं बहुत ही गंभीर हूं, क्योंकि मैं जिसको गुरु मानता हूं डॉक्टर स्नेह देसाई, उनको वो बहुत करीब से जानते हैं, उनके मम्मी पापा, उनके सास ससुर सबको बहुत करीब से जानते हैं। तो दोस्तों मेरा लाइव आज करने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने मेरी वाइफ को, मेरे पापा को, सबको प्रॉमिस किया था कि मैं लाइव नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं लाइव आया हूं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो अभी हम लाइव में ऐड करेंगे मेरे जिगर जान दोस्त, मेरे कलेजे के टुकड़े और मेरे परम मित्र, यस किंग इज कुंपावत, जो कुंपावत बापू है ये नॉर्थ गुजरात के दोस्तों, और इनकी बातें सुनने की इतनी मजा आती है कि 10 मिनट नहीं 10 घंटे नहीं 10 साल भी कम पड़ जाएंगे। जय माता जी। जय माता जी। कैसे है प्रकाश भाई? बहुत अच्छा हूँ बापू साहब, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया प्रकाश भाई, बताइए बताइए। देखो आप हमारी लाइव में आ गए हो तो हमारी लाइव की शोभा बढ़ गई है, अभी 600 लोग लाइव में हो गए हैं बापू, 600 लोग भाई। क्या बात है भाई, दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की हो और सब लोगों को आप अच्छा सा मैसेज दो, वही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रकाश भाई। जी 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 बापू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारी लाइव में आए। आज मैं बहुत बीमार था, अभी आज मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ, मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, कल मैंने रेड बुल बहुत ठंडा पिया था, और आपने मुझे बोला था कि आपको ठंडा पीने से कफ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और काफी सारी आपकी बातें मुझे इम्प्रेसिव लगी, मैं आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। नहीं वो तो जस्ट मैंने आपको पहली दफा अपन जब मिले ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए मैंने बताया था कि भाई आप कफ प्रकृति, तीन प्रकृति होते हैं आयुर्वेदा में, मतलब जस्टिफाई किया हुआ है अपने ऋषि मुनि जो थे करीबन 5000 साल पहले, तो वात पीत और कफ तीन प्रकृति होती है अपनी बॉडी में, तो किसी भी इंसान के या वात होता है या पीत होता है या कफ होता है, तो आपको कफ प्रकृति है, तो ठंडा कुछ भी पियेंगे तो जुकाम होना ही होना है, और अभी 10 दिन बाद तो आपको संभालने का है, जैसे ही ये वायु ऋतु खत्म होगी, ये मतलब ये सीजन खत्म होगा, उसके बाद कब प्रकृति का सीजन स्टार्ट होगा। ओ अच्छा अच्छा ज्यादा ध्यान तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो आपका हसमुखा जो चेहरा है, मतलब जो हंसते रहते हैं, तो सारे बीमारियां हम सबकी भी मतलब खत्म हो जाती है भाई। प्रकाश भाई आपके चाहने वाले जितने भी है आपकी हंसी के ही मतलब दीवाने हैं, या आपको हंसता देखना चाह रहे हैं, और उससे मतलब एक मोटिवेशनल मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। जी जी बिल्कुल, और आप दिल से हंसते हैं बेसिकली, तो वो एक वार्ता में मजा आता है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स लाइव में आने के लिए अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी को ऐड करते हैं। लीजिए लीजिए,
आप इंस्टाग्राम में एक्टिव नहीं हो, लेकिन आज मैं आपको मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त को, एक दो दोस्त को मिलाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और उन लोगों को भी आपके पास से काफी कुछ सीखने मिलेगा। आपके आगे तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। अरे नहीं, भाई। हेलो भैया, कैसे हैं? हाय अंकिता जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड, बट थोड़ा थोड़ा प्रकाश भाई फीवर तो है मैं, मुझे। ओहो, वैक्सीनेशन ली थी क्या? नहीं, वैक्सीनेशन तो मैंने 2.5 महीने पहले ली थी, अब मुझे तो हफ्ते 10 दिन के अंदर सेकेंड डोज लेना है। जी ओके ओके ओके, अभी थोड़ा सीजन चेंज भी है ना, इस वजह से भी हो रहा होगा। जी मैं आपको जो मिलवाने लाया हूँ अभी, ये हमारे बड़े भाई साहब है, दादा भाई। हेलो दादा भाई जी, कैसे हैं आप? बस फाइन फाइन अंकिता जी, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। प्रकाश भाई प्रकाश तारीफ कर भाई रहे थे तो आप लोगों की। मतलब, प्रकाश भाई तो मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रदर। भाई हमारे भी मतलब सबके ही अच्छे मित्र भी है, और जस अभी आप जुड़े उससे पहले मैं बात कर रहा था उनसे कि भाई आप जो दिल से हंसते हैं तो वो हंसी आज की दुनिया में गायब हो गई है, मतलब बेसिकली एग्जैक्टली, लेकिन आज की तारीख में प्रकाश लोग भैया की, प्रकाश भैया की हंसी एवरग्रीन है। पार्डन हेलो क्या बोला उन्होंने? मैंने बोला कि प्रकाश भैया की हंसी एवरग्रीन है। हेलो हाँ, मामी। एवरग्रीन है, पूरा एवरग्रीन हंसी है, इसीलिए मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, मतलब बेसिकली। हेलो मामू, केम छो प्रकाश भाई? तो मजा अखंड में? बस मजा में। मौज से जीवन में, अखंड मौज संगीता मौज। भाभी, अखंड मौज में। हाँ नहीं प्रकाश भाई, बोलो बोलो बोलो, भाभी ने गम तो नहीं बोलो। मारुसा बेरी कोटा, चुड़ी मेल चुड़ी चुड़ी मेल, मेल अंकुआ ना ओलो, मोटे के नो मेल। माने एम क्यों प्रकाश भाई? मोटे के नो माने एम क्यों? बोलो हाँ बोलो, यस दादा भाई, हाँ मम्मी तमे हिंदी जी, बोलो ने, मेरी ए सारू बात अंदर नथी छे, मने समझ को नहीं आवे। हाँ कोई बात दादू भाई, नहीं, दादा हिंदी में। भाई, मेरी लाइफ के अंदर सिर्फ 30 सेकंड में 300 फ्रेंड आ गए, ओके और 45 सेकंड के अंदर 500 फ्रेंड आ गए। तो मेरी फ्रेंड फॉलोइंग, मेरा जो फैमिली नेचर है, ये बात अच्छी है। ये तू मोड़े के नहीं मोड़े है। मोड़े मोड़े। प्रकाश सबके भाई जीवन में भाई हंसी ने लाते हैं ना, बेसिकली यूं सबको अच्छा लगता है तब जाके आपको फॉलो कर रहे हैं ना। यस बिल्कुल नेचुरली बिल्कुल। वैसे आप ड्राइव कर रहे हैं ना। हाँ दादा भाई, आप आप नेचर, ये तो संगीता मैडम बैठे हैं ना, संगीता मैडम ओके ये साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट से है, बायड से, और ओके वहां पे इनकी जॉब है। आप कहाँ पे हो संगीता जी? दोरा दौरा जी, दोरा जी राजकोट के पास में। जी, ओके दोरा और जी से बिलोंग, एले हो दोरा जी, एले राजकोट, अरे सॉरी दोरा जी से ही है। नहीं, हम बायड से है, बायड से ओके अब। ओके फाइन, बेसिकली बायड से है, चौधरी हाँ आंजना पटेल हो क्या? नहीं, बारोट, बारोट है। बारोट है, ओके दोरा जी में है। हाँ दोरा जी में, दोरा जी ओके ओके वेरी नाइस। मेरा चले हस्बैंड हम सब डॉक्टर है, मत, वेटनरी डॉक्टर है मेरा पार्डन, हस्बैंड, वेटनरी डॉक्टर है मेरा हस्बैंड। ओके ओके वेटनरी डॉक्टर है वहां पे धोराजी में। ये हाँ हमको भाई, आप लोग तो काफी टाइम से प्रकाश भाई से जुड़े थे, हमें जुड़े जुड़े मतलब थोड़े समय हुआ है, पर उनकी हंसी के कारण ही मतलब एक आत्मीयता हुई। हाँ वो तो सही है प्रकाश। हेलो तो अमित जी, कैसे हैं आप? संगीता जी, आप अगर यहाँ पे आओगे हमारे हिम्मतनगर, तो मैं आपको दादा भाई की, दादा भाई का पैलेस है यहाँ पे इडर के पास, बहुत बड़ा पैलेस है, वहां पैलेस पे हम सब लोग जाएंगे। ओके ओके प्रकाश भाई, जरूर, सारे लोग और पधारी है प्रकाश वहां पे। ओके भाई हमें रक्षाबंधन पछी आवाना चाहिए त्यां गाड़ी, तो हूं तुमने मोड़ीस त्यारे। पधारो पधारो, आपड़े पैलेस पर जईशु, बापूना पैलेस पर, बहु मजा आवशे। प्रकाश प्रकाश भाई गम्मे दे यारे, तमे तमारा प्रकाश जितला फ्रेंड फॉलोअर्स छे, के जे मैं हिंदी में बोलू वरना उनको गुजराती में नहीं समझ में आएगा, जितने भी आपके फ्रेंड फॉलोअर्स है
उन सबको मेरे ओर से मतलब इनविटेशन है ही प्रकाश भाई, मतलब उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, वो पहले से आपका ही है, प्रकाश भाई का ही है, मतलब प्रकाश भाई वहाँ वहाँ जाएंगे तो मतलब और ज्यादा पैलेस में आना है तो मुझे तो बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा, आई हैव टू कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, तो उसमें क्या हम दिल्ली में ही रहते हैं, मैं अभी दिल्ली हूँ। ओके आप दिल्ली में ही रहते हैं? या राइट नाउ आई एम स्टेइंग एट दिल्ली इटसेल्फ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। वेयर यू आर स्टेइंग? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ओके बट वी आर क्वाइट फार, आई स्टे। नहीं नहीं बता रहा हूँ तो मतलब दिल्ली कोई दूर नहीं है, वो एक मूवी में नहीं कहा था कि भाई ये धोनी का था ना मूवी, MS धोनी के मूवी में नहीं बोला था कि भाई महेंद्र सिंह जी दिल्ली बहुत दूर नहीं है, ऐसा करके एक डायलॉग था उसमें शायद, देखा हो तो मतलब जो वीच होती है तो वो मतलब नियर बाय है, कहने का तात्पर्य। मैं क्या बोलूं श्याम बदानी जी, अंग्रेजी में क्या सुनना चाहते हो आप? अंकिता जी आज पार्लर आप पार्लर में? हाँ जी भाभी आप पार्लर में थी आज? हाँ आज मैं सलून गई हुई थी अभी, बहुत टाइम हो गया था, लाइक कोविड की वजह से डर के मारे जाती नहीं थी, लेकिन अंकिता जी सॉरी मैंने मेरा लाइव अभी ज्यादा नहीं चला पाऊंगा क्योंकि मैंने मेरी वाइफ को प्रॉमिस किया था, उसने बोला कि आप बीमार हो लाइव मत करो, लेकिन मैं मेरे जिगर के टुकड़े दादा भाई के लिए स्पेशली मैंने लाइव किया है, मेरा 10 o'clock का प्रॉमिस था, अभी 10+4 minutes हो गई है। थैंक यू सो मच अंकिता जी, बाय बाय। ओके थैंक यू सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, सेम टू हियर। ओके संगीत स्क्रीनशॉट लेते हैं दादा भाई के साथ, और दादा भाई को बॉलीवुड में कौन कौन लोग पहचानते हैं अपन नेक्स्ट लाइव में बात करेंगे, और इनका बुर्ज खलीफा में 70th floor पे इनका खुद का फ्लैट है, आप इनको फॉलो करना, दिल की बहुत मस्त इंसान है। मिलेंगे, प्रकाश भाई को लेके जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, अभी 1st October से दुबई एक्सपो स्टार्ट होने वाला है 2020, 1st October से 31 मार्च तक, तो इनको अक्टूबर में दुबई एक्सपो में ले जाना है प्रकाश भाई को, बिल्कुल ग्लोबल विलेज ले जाइए इनको। हाँ तो प्रकाश भाई वहाँ पे भी वो इस बार ग्लोबल विलेज लगेगा, आई डोंट थिंक सो, मन करूं नहीं नहीं होने ही वाला है 100%, 1st October से यह कंफर्म हो गया है और उसकी तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी हुई है, ठीक है? तो प्रकाश भाई को वहाँ पे ले जाना है कंपलसरी, और प्रकाश भाई वहाँ पे भी वो उनका जो हिम्मत नगर वाला डायलॉग मारू था वो वहाँ पे भी परचम लहराएंगे, मतलब आप 2-3 पवेलियंस में तो एकदम फेमस हो जाओगे, क्योंकि पाकिस्तानी पवेलियन इंडिया पवेलियन वो लोग हिंदी तो समझते हैं और रोज आपको सुनने के लिए आएंगे उधर। वही सेम हंसी के साथ आपकी अरेबिक्स भी बड़ा क्रेजी होकर सुनने के लिए आएंगे आपको। ओके थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय। ओके ब्रदर थैंक यू, जय माता जी, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी दादाजी।